गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? यस, टुडे आई टीच इंग्लिश ग्रामर सेकेंड क्लास एडजेक्टिव लेसन 13 एडजेक्टिव। ये मैंने आपको पिछले टाइम में भी एडजेक्टिव पढ़ाए थे और आपको बताया कि था कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ कि किसी की विशेषता बताना। जैसे रेड एप्पल, एप्पल लाल है। येलो मैंगो, मैंगो कैसा है, पीला है। बेबी ब्यूटीफुल बेबी, बच्चा सुंदर है। तो इसमें बेबी तो हो गया नाउन, लेकिन जो सुंदरता बता रहा है या कलर बता रहा है किसी चीज की विशेषता है, जैसे मैंगो की विशेषता है येलो कलर, एप्पल की है रेड, और बेबी की एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव है किसी चीज की विशेषता बताना, खूबी बताना। तो आज मैंने आपको पिछले टाइम में 2 एक्सरसाइज कराए थे, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा कराया था जो उसमें था ये प्रिया गोज टू रेस्टोरेंट, ये वाला। इसमें भी हमें सभी में इनके एडजेक्टिव ही लिखने थे। ऊपर आपको इसमें एडजेक्टिव दिए हुए थे और आपको नीचे इसमें छांट के लिखना था, चूज करना था। छांटना भी चूज करना था कि आप इसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा। अब आप आइए एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में ए नंबर कंप्लीट, ए नंबर में है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाई अनस्क्रैम्बल्ड द कलर वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस बाई अनस्क्रैम्बल्ड, अनस्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज लिखी है, मान लो वहां पे लिखा है वाटर, तो वाटर जो है वो उसको डब्ल्यू ए टी ई आर जो वाटर होता है उसकी लेटर्स इधर उधर कर दिए हैं। अब नीचे जो सेंटेंस दिया है, जैसे नंबर वन लेते हैं हम, सैम हैज स्पार्कलिंग, फिर फिल करना है आपको, फिर लिखा है टी। अब यहाँ पर लिखा है ई टी आई डब्ल्यू एच, अब इसकी स्पेलिंग सही बना के आपको ठीक करना है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव भी है और अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड्स भी है। इस तरह से इसमें आपको ब्रैकेट्स वाले वर्ड्स को ठीक करके एडजेक्टिव लिखना है इसमें। तो यहां पर एक चीज दी है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय अनस्क्रैम्बलिंग द कलर, कलर लेकिन मत लिखना क्योंकि यहाँ कलर लिखा है लेकिन कलर तो है नहीं, सब एक ही कलर के हैं। ये देखिए जो ब्रैकेट में कलर लिखा है वो कोई कलर नहीं है, लिखा है ना कलर वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, लेकिन वो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कलर वर्ड हटा दिया है। इन्होंने लिख तो दिया कलर, लेकिन कलर किए नहीं वर्ड्स, इसलिए हमने वो कलर सब हटा दिया है। गलत नहीं है, कलर नहीं सोचो मैम ने तो कलर हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में कलर है कहाँ, सिंपल ब्लैक कलर के ही लिखे हुए हैं। अच्छा चलिए अब हम आपको यहाँ पे ऊपर बता रहे हैं, इसमें फर्स्ट है सैम है स्पार्किंग, अब यहाँ पे लिखा है ई टी आई डब्ल्यू एच। तो यहाँ पे सैम के जो स्पार्किंग कर रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वाइट, डब्ल्यू आई टी एच, व्हाइट क्या है, व्हाइट है इनके टीथ। यहां पे हम टीथ लिखेंगे, टी एच टी डब्ल्यू टी एच। अब यहां पर क्या है, ई टी आई डब्ल्यू एच, तो ये क्या है, वाई की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू एच आई टी ई, तो तीन कैसे है वाई डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट। तो ये हमने फिल किया यहां से, इसकी अनस्क्रैम्बलिंग वर्ड को स्क्रैम्बलिंग में मतलब सही बना के प्रॉपर क्या है इसकी वो बना के यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या वाइट एडजेक्टिव भी है, नाम कैसे है
स्पार्कलिंग क्या होता है? स्पार्कलिंग होती है मतलब चमकदार होती है ना, स्पार्किंग करते हैं कोई चीज, चमक बार बार मारती है, उसको हम स्पार्कलिंग कहते हैं। तो दांतों की क्या एडजेक्टिव है? दांत कैसी है? स्पार्कलिंग है और ये वाइट भी है। तो ये आपने फिल किया और ये भी एडजेक्टिव है। इसमें इसमें मतलब दिया है कंप्लीट द सेंटेंस में अनस्ट्रैंडिंग द कलर वर्ड इन द, वैसे इन्होंने कहा नहीं है, ये हमने भरा भी है, लेकिन इसकी विशेषता ये भी है, स्पार्किंग चमकदार। अब दूसरा क्या है? द ब्रिंजल एज। ब्रिंजल कैसा है? पर्पल। ये LURPPE लिखा है तो ये क्या है? देखो PURPLE तो क्या बनेगा? पर्पल। PURPLE पर्पल। तो ये पर्पल है। ब्रिंजल कैसा है? बैगन कैसा है? पर्पल कलर का है। तो ये इसका स्ट्रैंगलिंग अनस्ट्रैंगलिंग था, इसको हमने ठीक करके स्ट्रैंगलिंग बनाया, इसको ठीक किया। तो बैगन कैसा है? और बैगन का कलर क्या है? पर्पल। इसलिए इसका ये एडजेक्टिव भी है और इसको ठीक करके भी अनस्ट्रैंगलिंग को स्ट्रैंगलिंग करके मैंने लिखा है। अब तीसरा है द बेबी चीक्स आर। बेबी के बच्चे की चीक्स कैसे हैं? INPK। INPK क्या है? पिंक। PINK यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पिंक। PINK इसकी जो स्पेलिंग है, रॉन्ग स्पेलिंग को राइट करके लिखना है, उसको हम अनस्ट्रैंगलिंग वर्ड कहते हैं रॉन्ग को। तो ये क्या हो गया? पिंक। अब ये आपके थ्री वर्ड्स हो गए। अब हम आपको इसमें एट वर्ड्स हैं तो थ्री ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 अभी आपको बताते हैं। यस, ये यहां पर हमने आपको थ्री नंबर तक करा दिए थे, अब हम आपको फोर नंबर करा रहे हैं। इसका ए नंबर के ऊपर जो पॉइंट लिखा था वो मैंने साफ कर दिया है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे फिर जगह नहीं रहेगी, इसलिए तो फोर नंबर आ रहा है। द क्लाउड्स बिकेम। द क्लाउड्स बिकेम का मतलब है बादल हो गए। कैसे हो गए? YREG। YREG का मतलब है सही तरीके से स्पेलिंग जी ग्रे है, ये GREY। ग्रे की स्पेलिंग क्या होती है? GREY। GREY आपने यहां से क्या एडजेक्टिव है? बादल। क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स मीन्स बादल, ग्रे कलर के हो गए। ग्रे ग्रे कलर होता है। तो यहां पर हमने अनस्ट्रैंगलिंग को ये यहां पर राइट करके लिखा। अब नंबर फाइव है द ग्रास इज। क्या होता है? ग्रास कैसी होती है? ग्रीन। अब ये ग्रीन की स्पेलिंग होती है GREY, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? PREGN। तो हम इसको ठीक करेंगे, कैसे करेंगे? जी सबसे पहले लिखेंगे, जी यहां से आपने लिया, फिर आर, फिर हम डबल ई लेंगे, ये दो ई है यहाँ पर, फिर ये एन लेंगे ग्रीन। तो यहां पर ये हो गया फुल स्टॉप। तो द ग्रास इज ग्रीन। घास कैसी है? ग्रीन है, हरी है। तो ये एडजेक्टिव भी है और अनस्ट्रैंगलिंग को स्ट्रैंगल आपने बनाया। अब है रोज। रोज में क्या है? रोज इन माई बैकयार्ड गार्डन आर। जो रोज है मेरे बैकयार्ड गार्डन, किसको बोलते हैं? जो घर के पीछे जगह होती है उसमें हम गार्डन बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो रोज रोज इन माई
ब्लू की स्पेलिंग है बी एल यू ई, ब्लू। ब्लू मीन्स नीला, बादल आसमान नीला है, ब्लू। तो आपने इसको राइट करके यहां लिखा है। अब नंबर लेते हैं महक हैच हेयर, महक कहते कैसे बाल है, एल ए के सी बी, एल ए के सी बी कुछ होता है उसको राइट कीजिए, बी एल ए सी के ब्लैक, बी एल ए सी के। तो आपने ये अनस्ट्रमल को स्ट्रमल किया। तो महक है ब्लैक हेयर, महक कैसे बाल रखती है, ब्लैक। महक के पास कैसे बाल है, ब्लैक। महक के बाल कैसे हैं, काले, ब्लैक मींस काले। तो ये आपका एक एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई है। आपके फर्स्ट वन से लेके एट सेंटेंसेस में आपको नोटबुक में अच्छी तरह से करने हैं गुड राइटिंग में। और अभी मैं आपको एक और बी नंबर और कराती हूँ, वन मिनट। यस, अब हम आपको एक्सरसाइज बी करा, उसमें क्या है, सर्कल का एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो एडजेक्टिव है सेंटेंस में उसमें सर्कल करना है। तो अब आप आइए, इसमें एक सेंटेंस है, ये हम यहाँ आपको फोर बता रहे हैं, उसकी बात बताएंगे। नंबर वन, निखिल के स्मार्ट बॉय, निखिल कैसा बॉय है, स्मार्ट बॉय है। तो जब इस बच्चे की जो लड़का है, निखिल लड़का है, उसकी क्या विशेषता है, स्मार्ट। एडजेक्टिव क्या है, स्मार्ट। तो हमें क्या करना है, इसमें सर्कल करना है, ठीक है। अब नंबर टू है, माय फादर बॉट ए न्यू कार, मेरे पिताजी लाए एक नई गाड़ी, कार मीन्स गाड़ी, कार कुछ भी बोलो, मेरे पिताजी एक नई गाड़ी लाए। तो कार की क्या विशेषता है, क्या एडजेक्टिव है, न्यू। तो ये न्यू इसमें हम सर्कल करेंगे, ये एडजेक्टिव है। माय पिलो इज वेरी सॉफ्ट, मेरा पिलो जो है बहुत ही, वेरी सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब सॉफ्ट नहीं, बहुत सॉफ्ट है। तो ये पिलो का एडजेक्टिव क्या है, वेरी सॉफ्ट। पिलो क्या होता है, तकिया। तो वेरी सॉफ्ट पे हम सर्कल करेंगे, ये वेरी सॉफ्ट। नंबर फोर, इट इज ए ब्राइट सनी डे, आज कैसा डे है, ब्राइट माने चमकीला, सनी मीन्स धूप वाला। तो इसमें हमें दो एडजेक्टिव है, एक तो ब्राइट है और एक सनी है। ब्राइट मीन्स चमकीला, जब धूप होती है तो अपने आप चमकीला होता है। तो एक तो ये एडजेक्टिव है और ये सनी मीन्स धूप वाला। सनी किसको बोलते हैं, जब धूप निकलती है उस डे को हम सनी डे बोलते हैं। तो आज जो ये दिन जो है बहुत ही ब्राइट चमकीला एंड सनी धूप वाला दिन है। तो इस डे की जो एडजेक्टिव है वो क्या है, ब्राइट एंड सनी। ये दिन की विशेषता क्या है, चमकीला है और धूप वाला है। तो ये आपके फोर सेंटेंसेस हुए। अब आप देख लीजिए, यस, अभी बी का सर्कल था, एडजेक्टिव वाला जो पोर्शन था फोर्थ, अभी मैंने आपको करवाए थे। अब इसमें फोर और सेंटेंसेस है, फाइव सिक्स सेवन एट। तो फाइव नंबर आया था, पोर्टर कैरीड ए बिग एंड हैवी सूटकेस। पोर्टर कैरी माने ले जा रहा है, कैसा, बड़ा और हैवी सूटकेस। सूटकेस तो नाउन हो गया, लेकिन इसमें सूटकेस की क्या एडजेक्टिव है, बिग और हैवी है। तो यहाँ पर हम बिग में लगाएंगे, बिग एंड हैवी, बड़ा है और वजन वाला है, हैवी मींस वजन। किसका ये नाउन की जो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव होते है। तो ये बिग और हैवी सूटकेस का एडजेक्टिव है। आ है के सिक्स नंबर,
रैपुंजल के जो बाल हैं वो कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं, लॉन्ग हैं एंड सिल्की हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर है, लॉन्ग मीन्स लंबे हैं और सिल्की मीन्स मुलायम। तो ये हुआ, एक तो इसका हेयर का एडजेक्टिव क्या हुआ, हेयर की क्या विशेषता है, ब्यूटीफुल। दूसरी विशेषता लॉन्ग, और तीसरी सिल्की। इस तरह से इसकी थ्री विशेषताएं है। ये किसकी विशेषता है? हेयर की, हेयर मीन्स बाल की। इंग्लिश में विशेषता को क्या बोलती है? एडजेक्टिव। हिंदी बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो एडजेक्टिव हेयर के एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल, लॉन्ग एंड सिल्की। ये क्या है? रूपांजल है, ब्यूटीफुल, लॉन्ग एंड सिल्की है। रूपांजल की ब्यूटीफुल, लॉन्ग एंड सिल्की हेयर है। नंबर सेवन, आई बॉट ए डेलिशियस चॉकलेट केक फ्रॉम द बेकरी। आई बॉट, मैं लाया, क्या लाया? डेलिशियस माने स्वादिष्ट चॉकलेट केक, चॉकलेट केक फ्रॉम द बेकरी से। कहाँ लाया? बेकरी से। तो केक की क्या, चॉकलेट केक की क्या विशेषता है, क्या एडजेक्टिव है? डेलिशियस है, स्वादिष्ट है। तो इसका ये, इसमें हमें सर्कल करना है। अब नंबर एट, द क्वीन वोर ए लवली ग्रीन गाउन एंड ए गोल्डन क्राउन। क्वीन मीन्स रानी, रानी ने वोर, वोर मीन्स पहने, ये सेकंड फॉर्म है, वियर का सेकंड फॉर्म वोर। तो ये क्या है? लवली माने सुंदर, ग्रीन हरा गाउन, हरा गाउन लवली है, ग्रीन है, गाउन तो आपका हो गया नाउन क्योंकि चीज है, थिंग है, एंड ए गोल्डन क्राउन, क्राउन मीन्स जो मुकुट पहनते हैं ऊपर, उसको हम क्राउन बोलते हैं। तो वो क्या है, कैसा है? गोल्डन, गोल्डन कलर का। तो इसमें क्या हुआ? क्वीन हो गए, क्वीन ने पहना लवली माने सुंदर, तो ये एडजेक्टिव हुआ लवली, सुंदर, ग्रीन, एक ये एडजेक्टिव हुआ। और गाउन तो नाउन है, ये तो एडजेक्टिव हुआ नहीं, गाउन की एडजेक्टिव क्या है? लवली है और ग्रीन है, सुंदर है और हरे रंग का है, एंड गोल्डन क्राउन, क्राउन की क्या एडजेक्टिव है, क्या विशेषता है? गोल्डन है। तो ये इसमें थ्री एडजेक्टिव हो गए, द क्वीन वोर ए लवली ग्रीन गाउन एंड ए गोल्डन क्राउन। तो इसमें लवली, ग्रीन एंड गोल्डन, ये तीन एडजेक्टिव हो गए। आपको ये सब नोटबुक में करने हैं, गुड राइटिंग में करिएगा, और ये आपको बुक में भी जो दोनों एक्सरसाइज कराए हैं बुक में भी, ए नंबर में और बी नंबर में भी, दोनों में ही आपको करना है। बी में सर्कल लगाना है और ए में फिल करना है, अनस्क्रैम्बल को स्क्रैम्बल करके बुक में भी और नोटबुक में भी, दोनों एक्सरसाइज कर लिया। ओके, थैंक यू।